आप क्या खींच के लाए हो गाड़ी दोस्ती का? सोचा तुम भग गए आगे। तो अब हम लोग परिक्रमा स्टार्ट करने वाले हैं। पावर बैंक ले लिया कि पूरी रात हमें चार्जिंग नहीं मिलेगी। अभी ना ताऊजी ने हाथ रखा हो भैया कंधे पे, मुझे हो गई जलसी। मैं जाके पापा हाथ पकड़ के अंदर रख लेता हूँ। पापा कहेंगे पागल हो गया क्या? भाई पैरों की हालत बुरी हो गई है। हो मेरा पहला ते आखरी प्यार बेबे बापू करा जिन्ना दा मैं दिलों सत्कार जी। So hello everyone, welcome to a new vlog. This is The Exploring Engineer and I hope you all are doing great. आज है 13th of November 2023 और आज रात 12 बजे से गोवर्धन पूजा है, तो हम लोग आए हैं वृंदावन गोवर्धन की परिक्रमा करने। तो पूरी दिखाऊंगा कितने किलोमीटर्स की है, क्या है सब कुछ। सो बस अभी फटाफट चलते हैं। घर से हम दो गाड़ी लेके चले थे, एक अपनी बिराज साहब और एक स्कॉर्पियो। तो फटाफट चलते हैं, पापा वो चला रहे हैं, मैं ही चला रहा हूँ। रात को 12 बजे करेंगे परिक्रमा। हाँ चलो भैया। राधे 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 राधे। कुछ पार्किंग का सीन है यार, देखते हैं आगे जाते हैं कि क्या होता है। चप्पलें भाई यहीं उतार के जा रहे हैं क्योंकि ये परिक्रमा हम नंगे पैर करने वाले हैं। सो यहाँ से होती है शुरू। दो जने चलते, दो जने गाड़ी लगाएंगे ना, सबको यहीं उतार दो फिर ले आएंगे। वहाँ वहाँ पर्ची कट रही है, सेफ है वहाँ? सेफ है गाड़ी वहाँ, सेफ है। अरे नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई सर नहीं, उतार ले तो टायर खोल ले जा ऐसे ही है। वहाँ पर्ची कट के वो दे रहा है, गारंटी दे रहा है? हम पिछली गाड़ी खड़ी करी थी हमने, गारंटी लेगा वो तो। चलो फिर ठीक है भाई, आप और मैं चल रहे हैं। चलो छोड़ दिया और माता बोल जय श्री राम। जय श्री राम। बोलो राधे 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 राधे। आप क्या खींच के लाए हो गाड़ी दोस्ती का? सोचा तुम भग गए आगे। नहीं आपके पीछे तो थे हम। तो तुम पीछे आ रहे हो निकल के। वो छोटी है वो भगे जा रही है, अभी ऐसे चल रही है। हाँ हाँ वही खड़ी कर देंगे। तो ये है भाई ताऊ जी, लखनऊ वाला ब्लॉग अगर आपने देखा होगा तो लखनऊ में जिन भैया के एंगेजमेंट में मैं गया था उन्हीं भैया लोग के साथ में आया हूँ। वो जा रहे हैं ब्रदर साहब, सही रहता है पार्किंग लगा देंगे ना तो फिर भी ठीक रहेगा क्योंकि सेफ्टी रहेगी। कोई टायर टोर खोल के ले गया वैसे ही त्यौहार का टाइम है, दारू पीने वाले कुछ भी कर सकते हैं भाई रात को नशे वाले। यहीं पार्किंग लगा देते हैं, थोड़ी सी दूर है 300-400 मीटर, कोई ज़्यादा भी नहीं है। तो 11 बज रहे हैं रात के और हम शुरू करेंगे परिक्रमा। चाहे हम चप्पल उतार के कर रहे हैं परिक्रमा, मतलब पैसे हो चुके हैं, मतलब इसका मतलब ये है ना? ठीक है, आप गाड़ी निकालोगे ना पर्ची दिखा देना। ठीक है भैया, ठीक है या और कोई हो? ठीक है भैया, ठीक पैसे नहीं मांगेगा। हाँ वो जमा लिख दिया ना उसने, मतलब पैसे जमा है। ठीक है। सो अब हम लोग परिक्रमा स्टार्ट करने वाले हैं। पावर बैंक ले लिया कि पूरी रात हमें चार्जिंग नहीं मिलेगी, वो 6-7 घंटे लग जाएंगे। चलते दिखाता हूँ जो भी है, जैसा भी है दिखाता हूँ। कैमरा के पीछे शंकर, इसको आपने दिखा होगा लखनऊ वाले ब्लॉग में। मेरा पहला है, आपका पहला है? मैं और जगह हुआ है, चौथा है। मैं और जगह बहुत परिक्रमा कराया है, यहाँ पहली बार कर रहा हूँ। जय हो जी महाराज। राधे राधे। दिक्कत पता है क्या है? लोअर मैंने इसलिए नहीं पहना, वॉलेट और फोन पता है ऐसे झूलेंगे यूँ, जैसे कदम आगे बढ़ाओगे झूलेंगे। अभी स्टार्ट नहीं हुई है परिक्रमा, 200 मीटर नहीं आए, मालिश वाले लग गए पहले मसाजर। इन पैरों की मालिश करा लो 10 रुपये मिनट। और रास्ते दोनों में वो रोड वाला भी है कंक्रीट और ये पैदल वाला मिट्टी का रास्ता, पैरों में दर्द ना हो। और कैमरे मेरे लगे हुए हैं और ये पोल नंबर है 486। तो जैसे आपके घर वाले आगे पीछे हो गए तो आप बता सकते हो कि भाई इस पोल नंबर पे खड़े हुए हैं तो सीक्वेंस में है, तो आप उस तरीके से कैचअप कर सकते हो। पूरा चाय वाय का इंतज़ाम पूरा बढ़िया, चाय तो तुम्हें हर जगह मिलनी है। क्या चीज़? जैसे मम्मा ने पिछली बार परिक्रमा करी, हम रुक जाते मम्मा के साथ तो हम सभी ना चला जाता। फिर मोशन टूट गया फिर तो बेकार हो गए। ये साल चलो चलो। हाँ तो आप ही तो कह रहे थे मम्मी को जब जवान घूमे तो तू तो कर ही लेगा।
हाँ मम्मी को नहीं कह रहे, चाची थोड़ा रह गया, चाची थोड़ा रह गया है। मेरी भी नागपुर की ट्रेन है, मैं भी कल नागपुर चला जाऊंगा, 5 बजे ट्रेन है मेरी आगरा से, तो मैं 1-2 बजे यहाँ से निकल जाऊंगा आगरा के लिए। मम्मा कहाँ है? ई रिक्शा बैठ गई यार। अभी आधा घंटा हुआ चलते चलते, 34 हो रहा है, मतलब 40 मिनट होगा ऑलमोस्ट चलते चलते, और पैरों में पंजों में दर्द है क्योंकि वही रंगे पैर है ना। श्री गिरिराज जी महाराज का मंदिर है यहाँ पर, वही लाइट्स वगैरह लगी हुई है, पापा भागे जा रहे हैं आगे आगे। ये गिरिराज जी महाराज का मंदिर है, रात के बज चुके हैं 12, अब हम बड़ी परिक्रमा स्टार्ट कर रहे हैं 11 किलोमीटर की, उसके बाद छोटी परिक्रमा होगी 6 किलोमीटर की। ये इधर पूरा आप देख रहे हो जंगल, सॉरी ये पीछे ये पूरा गोवर्धन पर्वत है, अभी रात का टाइम है इसलिए अंदर जाना अलाउड नहीं है, दिन में तो अंदर जाना अलाउड है, इसके अंदर से परिक्रमा होती है। ये दिख रहा है आपको, ये पूरा पर्वत है गोवर्धन पर्वत। मम्मा ई रिक्शा पे गई है और उन्होंने शू गिरा दिया अपना, एक देख रहे हैं कहीं मिलेगा तो। अरे ब्लड सर्कुलेशन सही करते हो पापा। अब यहाँ लिया एक ब्रेक, चाय ब्रेक, चाय बन रही है। हाँ भाई मैगी मास्टर, ओए मैगी, मैगी खानी है। चबाना कुल्लर, कुल्लर खा भी, हाँ खा ले लोग खाते हैं, होती बावली लड़कियां कुछ। अरे नहीं, मिट्टी भी खाते हैं कुछ लोग, ऐसे गांव गांव पार करते जाओ 20-25 किलोमीटर जो भी है, ये है परिक्रमा। यहाँ पर अब देखो उत्तर प्रदेश सीमा समाप्त, राजस्थान शुरू हो जाएगा यहाँ से। विश्राम गृह राजस्थान सरकार। A few moments later. यहाँ से फिर उत्तर प्रदेश स्टार्ट हो रहा है, तो ये 1-2 किलोमीटर का राजस्थान पड़ा था बीच में। अभी ना ताऊ जी ने हाथ रखा हो भैया कंधे पे, मुझे भी जलसी मैं जाके पापा हाथ पड़े कंधे पर लेता हूँ, पापा कहेंगे पागल हो गया क्या। यही नहीं करते उस पापा, दिखाते नहीं है प्यार करते हैं, करते बहुत है दिखाते नहीं है। ये टिक्की ब्रेक, टिक्की खा के फिर चलेंगे आगे। 3:15 हो गए और अब छोटी परिक्रमा स्टार्ट कर रहे हैं हम, छोटी परिक्रमा राधा कुंड वाली। राधे 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 राधे, श्याम मिला दे, 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 श्याम मिला दे।
25 किलोमीटर में से आखिरी के 4 किलोमीटर बचे हुए हैं और पैरों की तलवों की हालत की हड्डियां बाहर आ रही हैं, पंजों की और एड़ी की। मज़ा आ गया 25 किलोमीटर चल के। बीच में एक जगह रुके थे हम लोग, टिक्की वगैरह खाई, वहाँ पर 10 मिनट बैठे थे, वरना नॉन स्टॉप चल ही रहे हैं। 4 बजने वाले हैं, क्या टाइम हुआ है? 11 बजे स्टार्ट की थी, 3:40 हो गया, 4.5 घंटे से मतलब चल ही रहे हैं। मुश्किल से रास्ते में 20 मिनट बैठे हैं टोटल। साढ़े 3 किलोमीटर रह गया बस अभी। अब आखिरी के 2.5 या 3 किलोमीटर बचे हुए हैं और भाई मज़ा आ गया। बैठ गया हूँ थोड़ी देर, 5 मिनट के लिए। पैर कुछ ऐसे हो गए हैं भाई, बिल्कुल फोम ख़त्म हो गई पैर के, ऐसा लग रहा है। मैं पिछले 25 दिनों से घर पे था और हमने कभी 5-6 घंटे साथ में स्पेंड नहीं किए जितना आज किया, 11 बजे से लेकर अभी 4 बजे तक, क्योंकि या तो कॉलेज होती थी या मेरा ऑफिस होता था या फिर फ़ोन में कुछ होते थे दोनों। अच्छा टाइम स्पेंड किया है, कल जा रहा हूँ वापस नागपुर तो अच्छा लग रहा है। चलो बेटे चल, आजा चल बेटे चल, तक आजा चले आगे। हम पहुँच गए हैं राधा कुंड, यहाँ पर दिया जलाया जाएगा। तो ये है भाई राधा कुंड, परिक्रमा पूरी हो चुकी है और बस अब गाड़ी पे जाएंगे। पैरों की हालत ऐसी हो गई, जहाँ जहाँ तलवों में दर्द हो सकता था ना भाई, वहाँ दर्द हो गया। परिक्रमा पूरी हो चुकी है, टाइम हुआ है भाई 5:03। सो पूरे हमने 6 घंटे में परिक्रमा पूरी कर ली और पार्किंग की तरफ जा रहे हैं, फिर आश्रम में जाएंगे और सोएंगे, क्योंकि भाई पैरों की हालत बुरी हो गई है। जब भी उठेंगे उसके बाद देखेंगे बाकी भैरवी मंदिर जाना है कि नहीं, क्योंकि मेरी ट्रेन भी है आगरा से, तो मेरे को यहाँ से आगरा भी जाना पड़ेगा वृंदावन से। हाँ माता, आप चल भी नहीं पाते माता? अरे यार क्यों नहीं जा पाते? आप चल पाते? ई रिक्शा पे बैठ गए हो ना, आराम से पहुंच गए। बैठ बजिए पर हाँ वो उतार रहा हूँ, ये आज लगी नहीं, ये देखो अभी कहीं टच नहीं हुई है गाड़ी, ये देखो ना कुछ आज की खुरचे, ये किसी ने खुरच दी है अब लगी नहीं है कहीं, वो नहीं लगी है किसी ने, चल खड़ी में खुरची है। साले कंवार लोग यही करते हैं। अब आ गए आश्रम पे और भाई माता आप तो उसमें बैठ गई थी ई रिक्शा पे, फिर भी झटकों ने हमारे ई रिक्शा में जूता गिरा दिया है। अला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, दर्द हो रहा है तो दर्द हो रहा है, दर्द मजा आ गया। 21 किलोमीटर भाई पूरा और 6 घंटे में 21 है अम्मा, अरे फोन में ट्रैकर लगाया था, 21 किलोमीटर है और 6 घंटे एग्जैक्ट 6 घंटे में मैंने पूरा किया है, सिर्फ 10-10 मिनट के 2-3 ब्रेक लिए हैं बस, मज़ा आ गया। अब सोएंगे, जब उठेंगे तब तक मिलते हैं, बाय बाय। द नेक्स्ट मॉर्निंग, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी टाइम हुआ है घड़ी का भाई, घड़ी दिखो, 11 बजे उठ गए थे, फ्रेश वगैरह हुए, पैर सूजे पड़े हैं, मैं दिखाता हूँ अभी एक बार, तो उस पर ऑइंटमेंट लगाया मूव वगैरह, और अब बस निकलना है, नाश्ता करना है और फिर मैं आगरा चला जाऊँगा, क्योंकि आगरा से मेरी ट्रेन है 5 बजे की। सो माता हुआ ही मंदिर सुबह उठ के, क्योंकि कल ये लोग ई रिक्शा में गए थे तो इतना थकान नहीं हुई है इसको, है मोटे राधे 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 राधे, अभी चले जाएंगे हम होली पाएंगे फिर। सूज चुके हैं पूरे भाई, धोए थे कल साबुन से लेकिन अभी मूव लगाई ना फिर, तो फिर ये मिट्टी चिपक गई है इन पे। आइए श्री धाम।
बैग रख लिए अपने नीचे, लैपटॉप बैग और मेन बैग। मैं बस पकड़ूंगा आगरा की, क्योंकि आगरा से ट्रेन है शाम को 5 बजे। तो सब रेडी हैं, घर की याद आएगी, कोई बात नहीं, आएंगे वापस जल्दी और दिखाता हूँ जो भी होता है। नागपुर तक चलते हैं इस ब्लॉक को लेके, बने रहो साथ। बेबे जिहा इत्थे कोई लाड नी थे आउणा, बेबे जिहा इत्थे कोई लाड नी थे आउणा, ना ही बापू जिहा कोई सच्चा यार जी। रो दी यार, रो मत यार, चल रो मत। हो मेरा पहला ते आखरी प्यार बेबे बापू करा जिन्हां दा मैं दिलों सत्कार जी। अब भाई निकल लिया हूँ मैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 के लिए, क्योंकि अपनी जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आएगी 20 मिनट बाद। पानी की बोतल वगैरह ले ली है, क्योंकि ट्रेन में कई बार मिलती नहीं है, 2 ले ली है बल्कि मैंने, सुबह तक के लिए काम चल जाएगा। आ गई भाई ट्रेन अपनी, गलत जगह रोक दी साले ने, B2 रोक दिया यहाँ पर, B2 रोक दिया और B3 पीछे है अपना, B3 है। The next morning. ਸਾਡਾ ਤਾਣਾ ਪਾਣੀ ਲਿਖਿਆ ਪਾਰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਚੁਗਦੇ ਆ ਗਏ ਆਂ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾਗਪੁਰ, ਅਬ ਬਸ ਨਹਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆਫਿਸ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਠੀਕ ਤਾਂ, ਨੀਂਦ ਬੜੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ये ब्लॉग इतना फन वाला नहीं था आई नो, बट एक फैमिली के साथ मेमोरीज थी। गोवर्धन की जो परिक्रमा है वो 21 किलोमीटर की है, तो वो आप कर सकते हो इजीली, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, बस पैरों में दर्द रहेगा एक दो दिन, क्योंकि 21 किलोमीटर बहुत होते हैं इन अगो चलना। सो इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी, बाय।